सच्ची मानिए, यदि आप चाहेंगे नाम जप से तो रोग को मिटा देंगे, चाहेंगे तो। पूरे धन्वंतरी जी ने आयुर्वेद का शोध करके देखा तो जो औषधियों में शक्ति पाई गई उससे लाखों गुना बढ़कर के रोग मिटाने की शक्ति भगवान के नाम में पाई गई। जैसे किसी वैज्ञानिक कैंसर के विशेषज्ञ जब उन्होंने सरकार की बात सुनी कि दतून करते हैं ऐसे, तो उन्होंने कहा इसका विज्ञान सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि विज्ञान प्राकृतिक बुद्धि का सपोर्ट करता है। भजन बल से वो किसी के रोग नष्ट नहीं करते थे, बहुत दैन्यता से वो रोग, तो दया आ गई, करुणा आ गई, उस रोग को अपने ऊपर ले लिया और उसके रोग की निवृत्ति कर दी। जैसे भाई जी को करुणा आई, राधा बाबा के रोग को अपने ऊपर ले लिया, उनको रोग की निवृत्ति कर दी, ऐसे महापुरुष जन कर। नाम से वो अपने रोग नहीं मिटा सकते थे क्या? अपना पैर कटवा लिया, अपना नहीं करते, क्योंकि लिया है उन्होंने, स्वीकार। यही तो संत महापुरुषों की महिमा गाई गई है कि वो दूसरों के लिए अपने कष्ट को बढ़ा देते हैं और उनको, और उनको पता नहीं है, उनको पता भी नहीं था। राधा बाबा को तो श्री कृष्ण चंद्र जी ने कहा कि जो भाई जी महीनों से अस्पताल में पड़े ठीक नहीं हो रहे, वो आपका प्रारब्ध भोग रहे। तब बाबा जा करके बोल, भाई जी ने कहा क्यों व्यर्थ की बात कर, जब उन्होंने कहा नहीं श्री कृष्ण ने कहा है, तो उनका बाबा हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको फर्क पड़ जाता, इसलिए हमने प्रारब्ध को आपके स्वयं ले लिया है। नाम जप से अच्युतानंद गोविंद नामोच्चारण भी सजात नश्यन्ति सकलाह रोगा सत्यम सत्यम बदाम्य हम। अब आप एक प्रसंग पर ध्यान दीजिए, महाप्रभु चैतन्य देव के, जब तीर्थयाटन में महाप्रभु चैतन्य देव विचरण कर रहे थे तो एक नगर में गए जहां जाते थे हजारों लाखों लोग उनके दर्शन के लिए दौड़ पड़ते थे। महाप्रभु साक्षात प्रेम मूर्ति, और भगवान करुणा करके ऐसे रूपों में आते हैं जगत मंगल करने के लिए। हरि बोल, तो पूरा समुदाय भावावेश में हो जाता, हरि बोल, मोर प्राणनाथ कृष्ण अश्वप्रवाह, तो सब विकल हो जाते हैं। जैसे भरत जी चित्रकूट में सियाराम, तो पूरा चित्रकूट मानो सियाराम में हो गया हो। उस नगर के लोग परमानंद का लाभ लिए, महाप्रभु चैतन्य देव चल दिए। तो एक वासुदेव कुष्ठी थे जिनके गलित कुष्ठ शरीर में था, वो चल नहीं सकते थे तो घुटनों के बल से रगड़ रगड़ करके वहां आए। जब वहां आए तो भीड़ लगभग लगभग जा रही थी, तो उनका कहां गए वो सन्यासी महापुरुष जिनके सब दर्शन करने आ रहे थे, मैं नीच भी दर्शन करने आया, कहां गए? बोले वो तो चले गए। बहुत विकल हुए, रो पड़े कि वैसे ही दुर्दशा भोग रहा हूं, एक बार नाम सुना था दर्शन पाने के लिए आया, वो तो चले गए, हाय अब कैसे, मैं चल भी नहीं सकता, दौड़ भी नहीं सकता। इतनी विकलता कि महाप्रभु एकदम खड़े हो गए और दौड़ पड़े वापस और लौट करके आए। ओ जीव देखा सामने गौर वरण गौरांग महाप्रभु, चिल्ला के रो पड़े, अरे करुणा में प्रभु। बोले सिर्फ आपके लिए आया हूं, सिर्फ आप। अब आप देखिए महाप्रभु ने पकड़कर खड़ा किया, वो रो रहा, छुओ मत मेरे शरीर में, पीप है, दुर्गंध है प्रभु, मैं नीच हूं, छूने लायक नहीं, प्रभु ने खड़ा किया और ऐसे जीव ही गले से लगाया। वो तो चीख पड़ा, प्रभु आपके इस परम पावन देह के स्पर्श लायक ये दे नहीं, नाथ आपके शरीर में पीप लग जाएगी। महाप्रभु ने बिल्कुल नहीं सुना और ऐसे गले से लगाया और कहा तुम्हारे स्पर्श से श्री कृष्ण के आलिंगन का सुख मिल रहा है। जे ही आंख खोलकर वासुदेव कुष्ठी ने देखा तो कहीं कोई कुष्ठ नहीं, वैज्ञानिक मानेंगे इसे। आप चैतन्य चरित्र में पढ़ लीजिए, जे ही महाप्रभु चैतन्य देव ने आलिंगन किया एक भी कुष्ठ का दाग नहीं रह गया। क्या हुआ? कृष्ण नाम का प्रभाव। एक आत्महत्या करने जा रहे थे, गलित कुष्ठ था, भाई जी के पावन चरित्र में पढ़ लीजिए, तो कंबल ढके हुए
वो उनको किसी ने कहा कि मरने से पहले एक बार भाई जी के पास चले जाओ, ऐसे महापुरुष के दर्शन करके ही मरो जब तुम्हें मरना ही है तो। पर एक बार उनका उद्देश्य था कि भाई जी के पास जाएगा तो इसका विचार बदल जाएगा, आत्महत्या का जो है ये विचार नहीं रहेगा। भाई जी ऑफिस में थे, किसी ने कहा कोई बहुत अपने शरीर को ढके हुए केवल आंख दिखाई दे रही और रो रहा है, कह रहा है एक बार भाई जी के दर्शन करा दो। भाई जी तत्काल भावावेश में हो गए और बुलाया, हाँ क्या सेवा करें, क्या बात, आप क्यों रो रहे हैं? उन्होंने कहा कि प्रभु मैं बहुत पापी और नीच हूं। नहीं नहीं भाई ऐसा मत बोलो, क्या बात है, आप कंबल से अपना मुख क्यों ढके, हटाइए तो। जे भी हटाया तो घाव पीप पूरे शरीर में गलित कुष्ठ, पापों का बड़ा भारी दंड। सहम गए देखकर भाई जी, उनका नहीं नहीं कोई बात, बोले बस मैं आपके दर्शन करके आत्महत्या करना चाहता हूं, कोई भी मुझे कहीं समाज में कोई ठौर नहीं, सब मुझे घृणा की दृष्टि से देखते हैं, इसलिए मैं अपने। भाई जी ने कहा नहीं 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 तुम्हारे ऊपर श्री कृष्ण की कृपा है, ऐसे जे ही आलिंगन किया कुष्ठ गायब, चरित्र में पढ़ ले। क्यों? क्योंकि नाम जप है, संकल्प किया उसके संपूर्ण पाप नष्ट हुए, भस्म हुए, रोग गायब। रोग कहां से होता है? पाप का दंड है रोग, खत्म हो गया। न शाम व्याधिजम दुखम हेयम नान्योषधैरपि हरिनाम औषधम पीत्वा व्याधिस्त्याज्यो न संशयः। कितना भी बड़ा रोग हो जो किसी और औषधि से न खत्म हो रहा हो, और नाम जब किया जाए और संकल्प कर दिया जाए कि ये रोग ठीक हो जाए, तो हरिनाम औषधि से बड़ा असाध्य रोग भी ठीक हो जाता है। बोले कर लो अपनी किडनी ठीक, बीमार तो हो आप। तो सच्ची कहते हैं वृंदावन में बैठे 100 के 100% में 1% भी इच्छा नहीं कि हमारी किडनी ठीक हो जाए। इससे बड़ा साक्षी हम नहीं दे सकते, क्योंकि वृंदावन हमारा प्राण सर्वस्व जीवन है। 1% 100 में नहीं कि ठीक हो जाए, जैसे चला रहे वैसे चलाओ। अब इससे हमें ठीक होने का तात्पर्य नहीं, क्योंकि जो ठीक होना चाहिए वो ठीक हो गया। हम भले हैं, बुरे हैं, नीच हैं, अच्छे हैं, जैसे हैं, अपनी प्रियाजू के ठिकाना मिल गया गोरे चरणारविंद का, इसलिए इसकी जरूरत नहीं है। आप चाहे 100 वर्ष रखो, चाहे 1 सेकंड में इसको बुला लो, कोई परवाह नहीं इसकी। 100 गोपाल शास्त्र नाम का रोज पाठ करते थे और गिरिराज जी की परिक्रमा करते थे, पूरा जीवन हो गया था, और 45 आदि शरीर में उनके हो गया, लकवा जिसे कहते हैं, लकवा ही तो कहते हैं हिंदी भाषा। तो हरि बाबा, पूज्य उड़िया बाबा ये सब जानते थे, इतने बड़े महापुरुष थे, उनके पास गए और कहा बाबा काहे को लीला कर रहे हो, अगर आप संकल्प करो तो पूरे भारत का 45 ठीक हो जाए, आप अपने क्यों असमर्थ होकर पड़े हुए हो? तो उनका बाबा विनोद क्यों करते हो, क्या मच्छर मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया जाता है? अरे ये शरीर छूटेगा आज नहीं तो कल, इसके लिए भगवान नाम और भजन का प्रयोग करें। नहीं, बाबा मुस्कुरा दिए, पर शास्त्रीय सिद्धांत यदि आप औषधि से भी नहीं ठीक हो रहे हैं, नाम जप कीजिए और संकल्प कीजिए कि ये रोग ठीक हो जाए, पक्का ठीक हो जाएगा। जब उस पाप की नष्ट करने योग्य आपका भजन बन जाएगा, पक्का ठीक हो जाएगा। आधयो व्याधयो यस्य स्मरणान नाम कीर्तनात् तदैव विलयम् यान्ति तमनंतम् नमाम्यहम्। जिनके स्मरण और नाम कीर्तन से संपूर्ण मानसिक चिंताएं, शारीरिक रोग और भी व्याधियां वो सब नष्ट हो जाएंगी नाम से। मानसिक चिंताएं, कई लोग ऐसे आए कि मैं डिप्रेशन में था, जब से प्रवचन सुना राधा राधा जपा सब खत्म हो गया। बाहर से सुनकर राधा राधा खत्म हो जाए, अगर आपको कहीं ऐसा है, इसका मतलब आप बात ही नहीं सुन रहे, नाम ही नहीं जप रहे। अरे नाचने का मन होता है। आधयो व्याधयो यस्य स्मरणान नाम कीर्तनात्, कोई भी मानसिक या शारीरिक कष्ट उसे व्यापता ही नहीं जो नाम जप कर रहा है। सच्ची मानिए, आप पकड़िए इस बात को, पकड़िए।
नाम जप से सब कुछ ठीक हो जाए। एक बहुत डिप्रेशन में यही आए हुए थे, उनको हमने बताया सबके जूते साफ करो, यहां सबकी पादुका साफ करो, वाणी पाठ में बैठो और पाओ श्री जी की जूठन, ठीक हो जाओ। ये कोई आशीर्वाद नहीं था, ये पाप नष्ट करने की प्रक्रिया थी। जब आप सबकी पादुका साफ करोगे तो आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। पर देहाभिमान प्रबल, पादुका हम सबकी, ये बहुत बड़ी बात है। बड़े सौभाग्यशाली जिनको ये रहस्य पता चल जाए कि सब संतों के बाथरूम साफ करने का अवसर मिले, पादुका साफ करने का अवसर मिले, जूठन फेंकने का अवसर मिले, तो अहो भाग्य, जीत गए आप इस माया पर। पर यह बात सबकी समझ में नहीं आएगी क्योंकि अभिमान नष्ट होता है। जिस समय आप दूसरों की पादुका साफ करेंगे उस समय आपके पाप और अभिमान दोनों का नाश हो जाएगा। पर यह बहुत कठिन बात है, बहुत कठिन बात है। सब लोग खड़े हैं और आप उनकी पादुका है, और कोई कठिन बात नहीं। आप गुरुद्वारा जो साहब कहते हैं, वहां चाहे आप जितने बड़े पदाधिकारी हो, वहां अगर सेवक हो तो वहां पहले जोरी सेवा मिलती, पादुका की सेवा करो, और सब करते हैं। सर्वरोगोपशमनम सर्वोपद्रव नाशनम शांतिदम सर्वरिष्टानाम हरे नामानुकीर्तनम। गंगा के किनारे पूज्य हरि बाबा विचरण कर रहे थे तो दसियों गांव के लोग एकत्रित होकर आए और कहा, बाबा गंगा जी जब बाढ़ती तो पूरा हाहाकार मच जाता है, हमारे खेत बह जाते हैं, गांव पूरा जीना मुश्किल हो जाता है, ना कोई इस बात को समझ पा रहा है और ना हम में कोई सामर्थ्य है। बाबा कृपा करो, आपके पास तो बहुत लोग आते रहते हैं। हरि बाबा विश्व प्रसिद्ध महापुरुष थे, उड़िया बाबा सदैव साथ रहते थे अनूप शहर। हरि बाबा ने सबकी करुण पुकार सुनी तो बाबा ने कहा, हाँ हमारे पास एक बहुत बड़ा पावर है, नाम। सुनो, सबको साथ देना पड़ेगा। क्या? बोले बालू का बांध बांधेंगे, हमारे पास पैसा नहीं, हमारा कोई सहयोग नहीं, तो हम बालू का बांध। तो बोले बालू का बांध गंगा जी? बोले जहां नाम जप करके तसला रख दोगे बालू का, गंगा जी चाहे जितनी बाढ़े उसको काट नहीं सकती। तो जानते हो अब तो बहुत बड़ा बांध बना हुआ है, उसको हरि बाबा बांध से ही कहते हैं, हरि बाबा के नाम से ही बांध। पर बाबा ने पहला बांध जानते हो काहे को बनवाया? बालू का, भर भर के बालू, नाम उच्चारण हो रहा है हरे कृष्ण हरे कृष्ण, बाबा यह कीर्तन करवाते थे, और ऐसे तसला फावड़े में भरा जा रहा है कृष्ण कृष्ण कृष्ण, और रखा जाता कृष्ण। बोले गंगा जी की सामर्थ्य नहीं कि काट दें, ऐसा ही हुआ। गंगा जी बहुत बढ़ी पर दिशा बदल दी, बांध का स्पर्श ही नहीं हुआ। और आगे चलकर जब पता चला कि बाबा ने ऐसा बांध, तो फिर सब मिलकर सरकार ने भी मिल, बहुत सुंदर बांध बना हुआ है और वहां आज भी कीर्तन अखंड चलता रहता है। बहुत बड़े बड़े महापुरुष वहां बैठ करके साधन भजन भी किए, हरि बाबा उड़िया बाबा जब थे तो भाई जी महाराज बड़े बड़े संत जाकर वहां सत्संग करते थे। नाम का प्रभाव गंगा जी ने नहीं स्पर्श किया, उस बांध को जो बालू का बांध दिया गया। आप समझते क्या है? नाम में अपार, कैसे कोई वैज्ञानिक मानेगा इस बात को कि ये नाम का प्रभाव। रोज नाम कीर्तन में वर्षों से एक भक्त जाते थे। बाबा ने पूछा, देखो अगर संत किसी को पूछते हैं तो आप ये समझ लो कि आपके जन्म जन्मांतरों के सुकृत सफल हो गए कि आप उनकी स्मृति में हैं। वैसे तो दृष्टि नहीं जाती, पर सब जब जहां अपनापन हो जाता है दृष्टि, वो भगत नहीं दिखाई दे रहे तो उनका प्रभु तो आज ही पधार गए बिना कीर्तन के। ये कोई 200-400 वर्ष नहीं हुए हरि बाबा को गए, अभी बोलते बहुत 60-70 वर्ष हुए होंगे। उड़िया बाबा हरि बाबा भाई जी सब एक समकालीन महापुरुष है, उनका बाबा उनका तो विमान बन रहा है, वो तो दाह संस्कार के लिए ले जाए जाएंगे। बोले नहीं, पहले विमान यहां लाओ। बाबा घंटा बजा करके बोलते हरि बोल, मारा घंटा में ध्वनि हरि बोल का, विमान की रस्सी खोल दो,
दो चार बार घंटा जे भी बजा उठ के बैठ गया, बोले ये कीर्तन के बिना कैसे जा रहे हो। अब आप ये वैज्ञानिक कोई मानेगा ऐसा कैसे हो सकता है? अरे कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, जहां सुई का धागा नहीं जाता वहां से अनंत ब्रह्मांड पार कर दे, उसे परमात्मा कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। कीर्तन हुआ, बोले अब जाओ जाओ हमारे हरि के पास। तत्काल मूर्छाई, शरीर छूटा विमान पे, चिता ये हजारों की भीड़ के बीच में हुआ, कोई अकेले एकांत में नहीं हुआ। कई लोगों को प्रश्न हुआ कि बाबा की वास्तविक किडनी खराब है? किडनी के मरीज नहीं है, शरीर किडनी का मरीज है, लेकिन जब हम होते हैं तब किडनी के मरीज नहीं होते, और जब किडनी के मरीज होते हैं तो हम नहीं होते, ध्यान रखना। अब ये तुम समझो, समझ पाओ तो समझ लो। इस समय हम मरीज नहीं हैं, इस समय डॉक्टर हैं हम। अभी जब इससे उतरेंगे तो मरीज हो जाएंगे, पकड़ लेंगे लोग, वहां खड़े करेंगे, ऐसे बैठे रहना चलता रहेगा। ये केवल राधा नाम का प्रभाव समझो, ये केवल राधा प्रताप है, श्री जी का प्रताप है, ये नाम प्रताप है। जब साधु नहीं रहता ना तो उसकी जीवनी में लिखा जाता है तो बोले अच्छा ऐसा था, और जब सामने है तब समझ में नहीं आता, माया समझने नहीं देती। यही माया का है कि जब तक श्री कृष्ण चंद्रजू अपने परिकर में रहे द्वारिकापुरी में, तो जल्दी कोई जान ही नहीं पाया कि ये द्वारिकाधीश बने हुए अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। पक्का ऐसे भगवान और भक्तों की लीलाएं होती है। सच्ची कह रहा हूं, ये हमारी कोई महिमा नहीं, ये राधा प्रताप है कि कैसी भी परिस्थिति हो, ये जस गवाना ये उनके प्रताप से हो।